अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस सहाबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين। उम्मीद कि आप तमाम हज़रात बख़ैर होंगे। आज हम लोग इंशाअल्लाह जिस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं वो ये है कि दुआ क्या है और भरोसा। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि दुआ कहते किसे हैं। दुआ या अरबी ज़ुबान में कहते हैं मांगने को, तलब करने को, डिमांड करने को, या किसी को पुकारने को दुआ कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह मोमिन के अंदर, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين। और उन लोगों से कहिए, وقال ربكم ادعوني استجب لكم, कि अपने रब से मांगे, अपने रब से सवाल करें। ان الذين يستكبرون عن عبادتي, और यकीनन जो लोग तकब्बुर करते हैं मेरे इबादत से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत में फौरन क्या कहा, इन्नल लदीना यस्तकबिरूना अन इबादती। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को इबादत कहा है कि जो लोग मेरे इबादत से तकब्बुर करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो अनकरीब जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि इस आयत करीमा में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, वो आप लोगों की पुकारों को सुनने वाला है, वो आपकी दुआ को कबूल करने वाला है। और दूसरी बात क्या पता, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांगते हैं तो वो बड़ा मुतकब्बिर शख्स है। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं वो बड़ा घमंडी शख्स है। इसी तरीके से तीसरी बात जो पता चली वो ये कि दुआ इबादत है। तो दुआ किससे मांगी जाए, सबसे पहला सवाल ये है। अक्सर मुसलमान ये सोचते हैं कि दुआ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, और जब आपसे सवाल करें मेरी इबादत के ताल्लुक से, فَإِنِّي قَرِيبٌ, तो आप कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन शर्त क्या है, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, और ऐसा वैसा नहीं बल्कि क्या, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, और ईमान भी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आपको देगा। अगर किसी मुसलमान का यह अकीदा बन जाता है कि मैं अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगूंगा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी पुकार को नहीं सुनता है तो मैं फ़लाँ जगह जाकर फ़लाँ चीज़ें करूंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी पुकार को जल्दी सुनेगा, तो ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी वक्त सुनता है जब वो उधर जाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे शर्त भी बताया कि ईमान हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, इस नीयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही है जो हमको देगा, तेरे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें कुछ दे सके। वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अभी आज अक्सर मुसलमान क्या करते हैं कि हमें औलाद नहीं हो रही है, हम किसके पास जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो इंसान भरोसा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी को देता है, और जो इंसान भरोसा नहीं करता उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्दी नहीं देता, और उसी वक्त देता है जब वो किसी और के पास जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भरोसा करने वालों को देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउ दुआ। ज़करिया ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा, इन्नका समीउ दुआ, यकीनन तू दुआ को सुनने वाला है। तो देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद की ज़रूरत थी तो उन्होंने किससे मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा। तो आज जो मुसलमान ये सोचते हैं कि हम किसी और के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे, आपके पास मिसाल है कि उनके पास भी औलाद नहीं थी, उन्होंने औलाद मांगी तो किससे मांगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद मांगी, और उन्हें
औलाद दी भी गई, अता भी किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे उस वक्त भी उन्होंने किसी का कुछ नहीं किया, सबसे बेहतर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तू पाक है, यकीनन मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पुकार को भी सुनी। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मांगे, रोएं, गिड़गिड़ाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन, वहाब अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तमाम सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अगर हम इसे किसी और में तलाश करते हैं गोया कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ज़रा सा गौर कीजिए भाइयों, तंज करना मकसूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लोग हक बात को जान सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या पैगाम दे रहा है, हक बात को लोग जान सके। वमन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है आपको रिज्क देने वाला। जब ख्वाजा जी नहीं थे तो कौन खिला रहा था, कौन पिला रहा था? लोग इसे गलत मफहूम में ना लेना कि हम बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते हैं। हम बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, बस हम उनकी आजिज़ी बता रहे हैं कि जो इतना आजिज़ है मरने के बाद अपने आप को गुस्ल ना दे सका, चार कंधों का सहारा लेकर कब्रिस्तान तक गया, कब्रिस्तान में जाने के बाद अपने आप को दफना ना सका, वो मरने के बाद मुश्किल कुशा हाजत रवा कैसे हो सकता है भाइयों? और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरों के दर पर जाते हैं उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजता है, लेकिन उनका अकीदा ख़राब हो जाता है। और शैतान का सबसे बड़ा काम यही है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ आप लोगों को कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उधर भी तुम्हें आजमाता है, उधर भी तुम्हें औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, लेकिन तुम्हारा अकीदा ख़राब हो गया। इसी तरीके से याद रखिए, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम फ़लाँ दरगाह पर जाते हैं तो हमें औलाद हो जाती है। इसी तरीके से गैर मुस्लिमीन भी अगर वो मंदिर को जाते हैं तो क्या उनकी मुरादें पूरी नहीं होती है? पूरी होती है, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से भरोसा हट गया। मुशरिकीन मक्का भी वो भी मानते थे कि एक पावर कोई है जो चला रहा है, लेकिन उसे तलाश करते थे बुतों के अंदर। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस फितने के दौर में महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तरह के फितनों से हमें महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।